उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में मजबूती से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है और सर्वाधिक सीटों पर विजय मिलेगी। जो निर्दलीय सदस्य जीत कर आए हैं, उनके मन में यही भाव है कि भाजपा को ही वोट किया जाए। वहीं डिप्टी सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल निंदा करती है और अपराध को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। कोई भी सपा को वोट देना नहीं चाहता, सभी भाजपा के पक्ष में वोट देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में जन समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी के अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे थे। उसके बाद सांसद लल्लू सिंह के भाई अजीत कुमार सिंह के निधन की सूचना पाकर उनके घर पहुंचकर शोक प्रकट किया। कहना कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे अयोध्या सहित पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है और अयोध्या सहित आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। जनता का भी यही मन के अंदर, जनता के मन में भी ऐसा ही भाव है और जो बड़ी संख्या में निर्दलीय सदस्य जीत करके आए, उनके मन में भी यही भाव है।